कहानी का अंत खुशियों पर होता है, पर मेरी कहानी का अंत ऐसा होगा किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सोच भी कैसे सकते थे तुम लोग, मेरी मुस्कुराहट और खुशियों के पीछे एक दर्दनाक कहानी की आंधी छुपी थी जो सब कुछ उजाड़ के चली गई। आज तुम सबके चेहरों पर एक सवाल है कि मैं इस दुनिया से क्यों चला गया, पर इसका जवाब जानने के लिए तुम सबको मेरी मौत से पीछे की जिंदगी देखनी होगी। आज भी समझ नहीं आए, मैं कॉल करती हूँ। हेलो, कम ऑन, मैं बाहर हूँ यार। कमिंग यार, कमिंग, जस्ट अ सेकंड। ओके, Oh, hi. Hello. What's up? Come. Yeah. Coffee पियोगी? Yeah, sure. बैठो, मैं बनाता हूँ। Thank you. भाई बहुत ढील दे रखी है तुमने अपने servants को। हर दूसरे दिन छुट्टी कर लेते हैं। उसने बताया था कल मुझे, उसकी बुआ की तबीयत ठीक नहीं थी। Here's your coffee. Thank you. Come. Yeah. तुम्हें पता है आज पे फिल्म मैक के ब्लॉग में तुम्हारी और मेरे बारे में रोमांटिक न्यूज लगी है। हाँ, आई नो। हमारे प्यार के साथ साथ टीवी सीरियल की भी खूब प्रमोशन हो रही है, पढ़ा मैंने ब्लॉग। हमारा प्यार कहाँ प्रमोट हो रहा है, सब कुछ वहीं का वहीं है। तुम कुछ आगे बढ़ने ही नहीं देते हो और दुनिया पता नहीं क्या समझती है कि हम दोनों। तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? नहीं, क्या तुम्हें मेरे प्यार में कोई कमी नजर आती है? बोलो। कमी तो नजर नहीं आती, लेकिन बस मैं चाहती हूँ कि हमारे इस रिश्ते को एक नाम मिल जाए। थोड़ा सा वेट कर लो यार, प्लीज। और मैं कोई दूर थोड़ी हूँ, यहीं हूँ तुम्हारे पास, इधर ही। मैं तुम्हें एक बात बताने ही भूल गई, हमारी टीवी सीरियल के 100 एपिसोड्स बढ़ गए, हमारा न्यू कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। हाँ, आई नो, बट अब अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करूंगा क्योंकि मुझे फिल्म मिल गई और मैं चाहता हूँ कि अपना सारा फोकस बस फिल्म पे ही रखूं। यानी अब हम और दूर होने वाले हैं। तुम क्यों ऐसा सोच रही हो अनु? मैं तुमसे दूर हो ही नहीं सकता, चाहकर भी नहीं हो सकता। ये तो वक्त ही बताएगा फिल्म हिट होने के बाद कि तुम मुझे याद रखते भी हो या नहीं। तो पता, तुम बहुत जैसे हो। हाँ हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। और कल्पना यही है कि तुम एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बनो। चलो, मुझे अब लेट हो रहा है,
मैं अब चलती हूँ, मुझे रिकॉर्डिंग पे जाना है। लव यू। लव यू टू। बाय। प्रिया तुम समझ रही हो ना तुम्हें क्या करना है? तुम्हारे लिए एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर तुम्हें बहुत कामयाबी मिल सकती है। तुम न्यूज में रहोगी और तुम्हें मालूम है जनता के लिए वही स्टार होता है जो न्यूज में रहता है। मुझे पता है कि मुझे अपना काम कैसे करना है, कैसे उसको अपने प्यार के जाल में फंसा के खुद को ऊपर लेकर जाना है। ये काम तुम्हें ऐसे करना है कि उसे एहसास तक ना हो कि उसके साथ क्या होने वाला है। अगर हर टीवी स्टार फिल्म स्टार बनने लगा तो फिल्म स्टार कहाँ जाएंगे? आप चिंता मत करो, मैं अभी थोड़ी देर में उसी से मिलूंगी। आपका काम हो जाएगा, बस अब मेरा ख्याल आपको रखना है। तुम्हारा ख्याल तो रखता हूँ मैं जान, आज रात तुम मेरी तरफ आ जाओ, फिर और बातें भी होंगी। ठीक है, हम जल्दी मिलते हैं। ओके बाय। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी यार, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरी फिल्म इतनी हिट हो जाएगी। हाँ, मेरे कैरेक्टर को लोगों ने इतना पसंद किया, पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल्स आ रही हैं। ऑब्वियसली यार, ट्रीट तो बनती है, बस आगे भी ऐसे ही चलता रहा तो इस साल का फिल्म फेयर अवार्ड तो मुझे ही मिलेगा। चल ब्रो, एक्चुअली आई हैव टू गो समवेयर और रेडी भी होना है मुझे, फिर करते हैं पार्टी प्लान। डन डन डन। ओके ब्रो, बाय। हाय प्रिया, कैसी हो तुम? I'm good. How are you? I'm fine. तुम यहाँ? हाँ। By the way, इनसे मिलो। He is my friend. Oh hi. इनको कौन नहीं जानता? आजकल पूरे फिल्म सर्कल में सिर्फ इन्हीं की तो फिल्म्स डिस्कस हो रही हैं। Thank you for the compliment. It's a pleasure. By the way, हम लोग पहले भी कई बार मुलाकात कर चुके हैं। So you know each other, huh? Yes. ये तो बढ़िया है। अच्छा तुम दोनों बात करो, मैं कॉल करके आता हूँ। Sure. So what are your plans now? कुछ खास नहीं, बस तीन चार स्क्रिप्ट्स आई हैं, उनमें से कोई एक डिसाइड करूंगा। That's great. यानी काफी ऑफर्स आ गए हैं। पर मेरा मतलब था कि अभी के क्या प्लान्स हैं? I'm going to Raj's party. Invitation तो तुम्हें भी आया होगा, तुम भी चलो। हाँ, invitation तो आया है, but So उठो ना, बैठे क्यों, चलो। We'll celebrate your success tonight. Let's go. Last night was amazing. Let me make a coffee for you.
साल। गॉड, ये सब क्या हो गया? अनु प्लीज पिक अप द कॉल। हेलो अनु, तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें सब हाय, इट्स विशाल फ्रॉम कास्टिंग एजेंसी। हाय विशाल, हाउ आर यू? मैं ठीक। एक्चुअली बताना ये था, हमने नेक्स्ट मूवी में किसी और को कास्ट कर लिया है। Actually, producer की script पर का recommendation change हो गई है, so you can sign some other project. It's okay, fine. Thank you. उस ड्रग ने तो उस रात जो अपना काम किया, समझो कमाल हो गया। बेचारा सुबह उठा तो इतना हैरान था, समझा पूरी रात अपनी अनु के साथ है। उसे पता तो नहीं चला कि तुम उसे ड्रग दे रही हो? अभी तक तो पता नहीं चल सका, आज जब पता चलेगा बहुत देर हो चुकी होगी। बस इसी तरह तुम अपना काम करती रहो, मंजिल बहुत करीब है तुम्हारे। जानती हूँ, इसलिए आज बहुत खुश हूँ। उसके फ्लैट में शिफ्ट हो रही, अनु का गम बुलाने के लिए उसको कोई कांधा चाहिए होगा, तो वो मेरे ही गले लग के रोएगा। बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, बस इस मामले को जल्दी ही निपटा दो। निपट जाएगा, बहुत जल्दी निपट जाएगा। हे, मैं तुम्हारे घर इसलिए शिफ्ट हुई थी तुम्हारा डिप्रेशन थोड़ा कम हो सके, पर तुम तो अभी तक उसी मूड में हो। क्या करूं प्रिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? तुम्हें हमारी दोस्ती एक गलती लगती है? देखो, उस रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी थी, और शायद भगवान हमें ऐसे ही मिलाना चाहते थे। लेकिन अनु का क्या कसूर है इसमें? उसको किस बात की सजा मिल रही है? अनु और तुम्हारे बारे में मैं जब भी सोचती थी मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील करती थी, लेकिन जब मैंने अनु का बिहेवियर देखा तो मुझे लगा मैंने उसके साथ बहुत अच्छा किया है। वो लड़की तुम्हारे लायक ही नहीं है, और अगर वो तुमसे प्यार करती तो कभी यूं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाती। अनु मोहब्बत करती है मुझसे? नहीं करती वो तुमसे प्यार, प्यार का ढोंग रचाया है उसने, और पूरे फिल्म सर्कल में पता नहीं क्या क्या बोलती फिरती है। मैं तुम्हें ज्यादा बता के तुम्हें और हर्ट नहीं करना चाहती, तुम भूल जाओ उसको, ओके प्लीज। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ, ओके?